दोस्तों आप सबको साल 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा, जहां पर भाई रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गूंजा था। भाई 60 से ऊपर के इस खिलाड़ी का औसत था वर्ल्ड कप 2019 के अंदर, और इस खिलाड़ी के बल्ले से 600 से ऊपर रन आए थे। तो यानी कि वो करिश्मा था जो रोहित शर्मा ने भाई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर करके दिखाया था। लगातार शतक पे शतक जड़े थे, और अब साल 2023 आ गया। क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, और उसके बाद से भाई एक भी ICC ट्रॉफी भी नहीं जीती है साल 2013 से। लेकिन अब साल 2023 रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी नहीं, रोहित शर्मा बतौर कप्तान टीम इंडिया का मान मालेंगे। और कहीं ना कहीं भाई टीम इंडिया को सबको उम्मीदें हैं कि भाई रोहित शर्मा इस बार वो काम करके दिखाएंगे जो टीम से पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, यानी कि भाई टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे रोहित शर्मा। भाई भारतीय सरजमी पर होने वाला है, और कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी ज्यादा है बतौर भारतीय फैन, बतौर भारतीय लवर्स, बतौर टीम इंडिया फैंस, क्रिकेट लवर्स, हम सबको उम्मीद है कि रोहित शर्मा भाई 10 साल का सुख खत्म करेंगे और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे। भाई ऐसा मेरे अलावा और किस किस का मानना है, तमाम दर्शकों का मानना है। इसके अलावा भाई विव रिचर्ड्स, यानी कि वेस्ट इंडीज के भाई लेजेंड बल्लेबाज, वेस्ट इंडीज के लेजेंड क्रिकेटर, और कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट को असली रूप दिखाने वाले उस बल्लेबाज का भी मानना है कि रोहित शर्मा साल 2023 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर करिश्मा करके दिखाएंगे, और अपनी स्किल के ऊपर, इनकी स्किल के ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। और साल 2023 जो साल रहने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर, वो रहेगा टीम इंडिया का, रोहित शर्मा का। भाई क्या कहा है विव रिचर्ड्स ने, आइए जानते हैं। तो भाई विव रिचर्ड्स ने बोला है, रोहित शर्मा एक शानदार खिलाड़ी है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, वह बेहद कुशल व्यक्ति है। मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद है जो बाहर जाते हैं और खुद को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाई ऐसा कहना है रोहित शर्मा के लिए विव रिचर्ड्स का कि भाई वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट खिलाड़ी है और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, काफ़ी स्किलफुल प्लेयर हैं रोहित शर्मा। तो भाई ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट एक लेजेंड बल्लेबाज की तरफ से, और वर्ल्ड कप 2023 के लिए उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए रोहित शर्मा आपको टॉप कंटेंडर है रन स्कोरर्स के लिए भी, और हो सकता है आपको वनडे क्रिकेट का एक नया बेताज बादशाह मिल गया। और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि विराट कोहली के रहते थोड़ी सी ना उनके भाई जो वो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ओवर शैडो हो जाती है, क्योंकि विराट कोहली लगातार कंसिस्टेंटली रन करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा परफॉर्मेंस जो है उतना देखा नहीं जाता विराट कोहली की वजह से। क्योंकि विराट कोहली ग्रेट है, रोहित शर्मा भी ग्रेट है, लेकिन देखने वाली बात होगी भाई क्या होगा साल 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या टीम इंडिया चैंपियन बनेगी या फिर एक बार फिर चोक करके रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में